तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। उसका सारा रिकॉर्ड देखेंगे, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखेंगे, फैसिलिटीज़ देखेंगे, कैंपस टूर देखेंगे, कटअप देखेंगे, और वो बिहार में कितने रैंक पे आता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जेई मेंस UGSC के थ्रू जो भी बच्चे इस बार एडमिशन लेने वाले हैं, वो प्लीज़ सभी लोग जाके एफर्ट प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी का इस बार एडमिशन से लेके सारे प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बांका कॉलेज फैसिलिटी। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल बहुत है, मतलब कि गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल है, लेकिन एक यहाँ पे आपको गर्ल्स को तो पूरा हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर से ही गर्ल्स को हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल के लिए हॉस्टल की कमी है। मतलब कि बॉयज़ हॉस्टल वहाँ पे एक ही है, जिसके कारण हॉस्टल में मतलब कि सारे बच्चे नहीं रह पाते। तो मतलब फर्स्ट ईयर आपको बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, एक साल आपको बाहर रहना पड़ेगा। जो भी बच्चे एक साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे 2024 में, सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में आपको सुविधा प्रोवाइड की गई है, गर्ल्स हॉस्टल बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में आप कमी है, वो एक ही है, जिसके कारण बच्चों को बाहर रहना पड़ता है फर्स्ट ईयर वालों को। एकेडमिक है, कॉलेज भी बहुत अच्छा है, यहाँ का टीचर्स भी बहुत एक्टिव है, बच्चों को अलग अलग तरीके के इवेंट करवाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही फ़िलहाल में आपका हमारा लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसमें बहुत बच्चों ने रोबोट बनाया था मिलके वहाँ पे, और मतदान केंद्र पे उसे लगाया गया था। तो बहुत ही अच्छा अच्छा एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, और फिर क्रिकेट वगैरह बहुत सारे टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आखिर ब्रांच कौन कौन से है। ठीक है, कौन कौन से ब्रांच है, कटअप क्या रहता है और सीट कितने हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो सीट यहाँ पे टोटल 60 है। ठीक है, बांका इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट है, और इसका जो कटअप जाता है, अगर 40% से ऊपर है तो आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। कितने होने चाहिए, 40% से ऊपर रहने चाहिए, तब आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट है। अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको 1% भी है, 2% भी है, 3% भी है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आप लोग सोचोगे कि भैया 1% भी वाले को भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा तो कैसे ये टॉप में कॉलेज जाएगा। देखो, 1% में कहने का मतलब है कि मैकेनिकल में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हर एक कॉलेज में मैकेनिकल का सीट खाली रह जाता है, इसलिए 1% वालों को भी मिल जाता है। बहुत ज़्यादा अभी सारे बच्चों को सिर्फ चाहिए कंप्यूटर साइंस और सिविल, इलेक्ट्रिकल, ECE या मैकेनिकल, ये सब ब्रांचेस लोअर कॉलेजेस में कोई नहीं खोजते हैं, टॉप 10 में ही खोजते हैं या टॉप 5 कॉलेजेस में ही ये सब ब्रांचेस मिलते हैं, तो लोग लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कटअप रहने वाला है 1% से अगर आपके ऊपर है तो आपको मैकेनिकल मिल जाएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कटअप आपका 60 सीट है यहाँ पर टोटल, और इसका कटअप भी 1% से ऊपर है तो आपको इजिली यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी टोटल 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी टोटल 60 सीट है, यहाँ पर भी 1% से ऊपर रहेंगे तो आपको सीट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कटअप जो है थोड़ा हाई जाता है, मैंने ऐसे 85 लिखा है क्योंकि कैटेगरी वाइज थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे इसका 65-68 ऐसे करके कटअप जाता है। तो जिन बच्चों का 50% से ऊपर है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका में ट्राई कर सकते हो, टोटल 60 सीट है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस इन IoT। ठीक है, IoT भी 60 सीट है, इसमें भी आपका 50% से ऊपर है तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएंगे। तो टोटल 6 ब्रांच है आपके, अगर 1% भी है तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाएंगे, लेकिन रहने चाहिए। ठीक है, इन्हें कि माइनस में रहोगे तो सोचोगे कि हो जाए, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, अबाउट प्लेसमेंट। ठीक है, कि प्लेसमेंट होता है या नहीं होता, बहुत सारे बच्चों का मन में रहता है कि भैया प्लेसमेंट यहाँ पर होता है कि नहीं होता। तो मैं वही रिकॉर्ड लेके आया हूँ आप सभी को लिए कि देख लो और अपना क्या बोलते हैं मन का भरम दूर कर लो कि प्लेसमेंट होता है। भाई सब जगह प्लेसमेंट होता है। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करके सारे कॉलेजेस करीब भी वीडियो लाऊंगा। तो पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे EE वाले ब्रांच का हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और ये मित्रा में हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से बैचेस के है, ये सारे आपका 20 और 19 बैचेस के हैं। ठीक है, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये 20 बैच का है। ठीक है, ये 20 बैच के स्टूडेंट का है, और इससे ऊपर जो था वो आपका, ये आपका
19 बैच का सीनियर्स के थे हमारे, ठीक है। तो ये सब सारे प्लेसमेंट यहाँ पे मिलते हैं, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया प्लेसमेंट नहीं होते, तो ब्रांच वाइज भी प्लेसमेंट देख लो, इलेक्ट्रिकल का देख लो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का हो गया, ECE का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी प्लेसमेंट होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैकेनिकल का प्लेसमेंट नहीं होता है, देखो यहाँ पे मैकेनिकल का भी प्लेसमेंट होता है, मतलब सारे ब्रांचेस के यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं, कोई भी कॉलेज में सारे ब्रांचेस का प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इको स्पेस, ठीक है, क्यू स्पाइडर में भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले का सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब बहुत सारे प्लेसमेंट गवर्नमेंट जनरल कॉलेज बांका ने दिया है। और इनका कॉलेज कैंपस जो चालू हुआ था 2019 में ही चालू हुआ था 2019 या 2018 में चालू हुआ था, और मतलब बहुत सारे बच्चों को अच्छे अच्छे प्लेसमेंट पे इन्होंने एफर्ट लगाया बहुत ज़्यादा कॉलेज ने कि बच्चों को अच्छे अच्छे जगह पे प्लेसमेंट दिया जाए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे EEE, ECE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब सारे ब्रांचेस के यहाँ पे प्लेसमेंट है, आप देख सकते हो, मैं बहुत अच्छे से दिखा रहा हूँ आप सभी को। और ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे 20 बैच का ही रिकॉर्ड है, देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, और अच्छे पैकेजेस पे हुआ है, ठीक है, अच्छे पैकेजेस पे यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है 22 और 23 में, 22 में हुआ था ये प्लेसमेंट, मतलब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेना, सोचना नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होगा यार, आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका भी प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि गेट कौन कौन से बच्चे क्वालिफाई किए या नहीं किए इस कॉलेज से। देखो इस बार का डाटा है 2024 का डाटा है, ठीक है, यहाँ पे 2024 में जो गेट हुआ था उसका डाटा मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे एक सिविल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट ने क्रैक किया है गेट, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभिमन्यु कुमार, फिर अमरजीत कुमार, सिविल इंजीनियरिंग रजनीश कुमार, तो ये चार बच्चे हैं जो अभी इस बार गेट क्वालिफाई किए हैं GEC बांका से, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका से। तो आप सभी भी कर सकते हो अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो। और ये सब बच्चे अभी थर्ड ईयर में ही हैं, ये दोनों थर्ड ईयर में ही हैं, लेकिन गेट क्रैक कर लिया, ये दोनों थर्ड ईयर में ही और गेट क्रैक कर लिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तब वहाँ जाके, ठीक है, आपको प्लेसमेंट मिलेगा, सारा चीज़ होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा वीडियो कि कैसे क्या क्या है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका का रिकॉर्ड। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे UGSA का काउंसलिंग 2024 में करवाना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग मात्र सिर्फ 149 में हम लोग कर रहे हैं, मात्र 149 में कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं हम, डिस्काउंट इन अपकमिंग कोर्स, मेंटोरशिप प्रोग्राम, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर्सनल गाइडेंस देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको ज्वाइन होना है, और फिर चॉइस फिलिंग करेंगे हम लोग, और जूम लाइव ऐप पे मीटिंग करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए फटाक से ग्रुप ज्वाइन कर लो, तभी आप हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवा पाओगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, कितने परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग एफर्ट प्लस ऐप को फटाक से डाउनलोड कर लो, ठीक है, सबसे पहले अगर नहीं डाउनलोड किए हो तो, और जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और जाके लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।